लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं प्रणय दास और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए आपको रूबरू कराए खेल जगत की खबरों से। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अंतिम टेस्ट मैच के समापन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वर्नन फिलैंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि अपने अंतिम टेस्ट में वे अपनी टीम को हार के मुंह से ना बचा सके। मैच के बाद फिलैंडर को टोकन देकर सम्मानित किया गया। 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले फिलैंडर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 64 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 244 विकेट लिए। फिलैंडर ने सीरीज की शुरुआत में ही कह दिया था कि यह उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी और वह फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 34 साल के फिलैंडर ने अपने करियर में 64 टेस्ट, 30 वनडे और 60 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 269 विकेट झटके। आप जुड़े रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।